बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। तो आज मैं थोड़ा सा कुछ चेंज नई वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। अक्सर मैंने बहुत से लोगों से, बहुत से स्टूडेंट्स भी क्वेश्चन करते हैं कि विंडोज़ हमने किस तरह से इंस्टॉल करनी है। हम कंप्यूटर पढ़ते हैं एंड इसको हमें इंस्टॉलेशन के लिए हमें घर से बाहर भेजना पड़ता है। तो अब इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगी कि आप खुद घर बैठे, ठीक है, विदाउट एनी इंस्ट्रक्शंस और विदाउट एनी हेक्टिक, आप किस तरह से 5 मिनट्स मतलब कब को आपको ये समझने में लगेंगे, उसके बाद आप इजीली खुद से विंडो इंस्टॉल कर सकेंगे, ठीक है। और इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, मतलब आप पहले वीडियो पूरी देखेंगे तो ही आपको समझ आएगा कि विंडो आपने किस तरह इंस्टॉल करनी है। और फिर साथ में इसको सब्सक्राइब और लाइक कमेंट भी करें प्लीज़, इट्स रिक्वायरमेंट। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं हम। उसके लिए सबसे पहले आपने एक सीडी बैक परचेज करनी है, ठीक है। सीडी के बगैर आप यूएसबी से भी कर सकते हैं अगर उसका सेटअप आपके पास यूएसबी में मौजूद है, लेकिन बेटर है कि आप विंडो एक्सपी की सीडी ले लें। ये है विंडो एक्सपी की सीडी, 32 बिट है आपके पास, विंडोज 7। तो विंडोज 7 जो है ना वो बेस्ट है, आप विंडोज 8 विंडोज 10 भी कर सकते हैं, लेकिन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम विंडोज 7, क्योंकि ये आपके पास मोस्टली हैंडी होती है। आप इसमें बच्चे जो हैं इसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, घर में जितने सारे फीचर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, आप इजीली इस पर काम कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने सीडी परचेज करनी है, ठीक है। ये सीडी मैंने आपको भी सामने इसके शो की है स्क्रीन पे, और ये परचेज करके उसके बाद आपने क्या करना है, आप क्या देखेंगे मेरे पास स्क्रीन पे लैपटॉप पड़ा है। अब इससे पहले इसको मैं ऑन करूंगी, ठीक है। ऑन करने से पहले जो है मैंने सीडी इसमें इंसर्ट करनी है। जी ये मैं सीडी इसमें इंसर्ट कर रही हूं। जी आपने सीडी इंसर्ट करनी है। सीडी इंसर्ट करने के बाद आपने F12 या F11 की कीबोर्ड से प्रेस करनी है। जी ये आपके पास स्क्रीन पे सारा सेटअप मौजूद है। ये जो ना अर्लियर विंडो, यानी जो आपके कंप्यूटर में अर्लियर विंडो पहले से विंडो हुई हुई थी, अभी मैंने सीडी डाली है, इसको मैंने एस्केप कर दिया है। यानी अगर आप वही सेटअप चाहते हैं उसी के साथ चलाना चाह रहे हैं, हमने चूंकि नई सीडी इंसर्ट की है और हम नया सेटअप इसमें इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो एस्केप किया, तो यहाँ पर जो है इसकी लोडिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो आपके पास है कि आया आप जो है यूएसबी डिवाइस से अपनी विंडो इंस्टॉल करना चाह रहे हैं या डीवीडी सीडी रोम से इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। डीवीडी सीडी वो सीडी जो आप बाजार से खरीद के लाएं, जो मैं आपको वीडियो में सबसे पहले भी शो भी कर चुकी हूँ, और यूएसबी यानी आपने अगर यूएसबी में विंडोज़ का सॉफ्टवेयर रखा हुआ है तो बेसिकली अभी हमने यहाँ पर सेलेक्ट करना है डीवीडी सीडी, ठीक है, क्योंकि हमने ये सीडी जो है कंप्यूटर सीडी रोम में इंसर्ट की हुई है। लेट्स से आप अप एंड डाउन एरो की से नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएं, तो हम जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन यूएसबी यानी हमारा टेम्प्रेरी फ्लैश स्टोरेज है, सीडी से हम जो है इसको इंस्टॉल करेंगे, इसको हम एंटर करेंगे। तो जैसे ही हमने नेक्स्ट किया, विंडोज़ जो है वो फाइल्स लोड करना शुरू कर देगा सीडी से। जिस तरह से ये 1% 2% हुई है उस तरह से ये 100% होगी, ठीक है। फाइल्स आपकी ऑटोमेटिकली लोड होना शुरू हो जाएंगी और आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आपने पेशेंस रखना है और वेट करना है कि ऑटोमेटिकली इसके बाद विंडोज़ जो है वो खुद से स्टार्ट होगी। आप यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हुआ विंडोज़ की स्टार्टिंग शुरू हो गई। अब आप थोड़ा सा वेट करें। जी ये देखिए विंडोज़ स्टार्ट होना शुरू हो गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही विंडोज़ स्टार्टिंग प्रोसेस ख़त्म होगा तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा कि जिसमें हमने लैंग्वेज और हमने अपना जो है फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। इसका हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ही विंडो स्टार्टिंग प्रोसेस ख़त्म होगा उसके बाद 3 ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे, लैंग्वेज का आ जाएगा, करेंसी का आ जाएगा और आपके पास कीबोर्ड लेआउट आ जाएगा। तो इनको आपने एज इट इज़ रहने देना है और उसके बाद आपने जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा इंस्टॉल विंडो। आप इंस्टॉल विंडो के इंस्टॉल नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सेटअप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी सेटअप लोड होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक, नेक्स्ट जो आपके पास स्क्रीन शो होती है उसमें से आपने चूज़ करना है कि कौन सी विंडो जो है आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर विंडो X64 भी है, X86 भी है, तो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगी स्टार्टर आर्किटेक्चर विंडोज 7, स्टार्टर आर्किटेक्चर विंडोज़ X86,
ठीक है, दैट विल बी रिकमेंडेड फॉर बेटर यूज़ ऑफ कंप्यूटर एज योर होम। जी, जो ऑप्शन मैं आपको बता चुकी हूँ इसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करें, ठीक है, विंडोज़ आर्किटेक्चर x86, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आप जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो बिल्कुल राइट लोअर कॉर्नर के अंदर नेक्स्ट का बटन मौजूद होता है, उस पर जस्ट क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट विंडो इंस्टॉलेशन के अंदर आपने टास्क करना है वो है आपने अपनी ड्राइव की पार्टीशन करनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से बताती जाऊँगी। यहाँ पर आपकी वो सारी ड्राइव्स हैं जैसे DEF जिनमें आपकी टोटल हार्ड डिस्क जो है उसकी पार्टीशन हो रही है। तो जो इसमें आपकी सिस्टम ड्राइव होगी ना, जिसके साथ सिस्टम लिखा होगा, जैसे यहाँ पर स्क्रीन पे मैं आपको शो कर रही हूँ जो मेरे पास लिखा आ रहा है उसमें सिस्टम ड्राइव आ रही है, ड्राइव 0 पार्टीशन 1 सिस्टम रिजर्व्ड, जिसके साथ सिस्टम लिखा है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। इसको आपने सेलेक्ट करके ना सबसे पहले आपने इसको फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट इसलिए करना है क्योंकि इसमें जो है हमारी पुरानी विंडोज़ का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो अगर हम उसको डिलीट करेंगे तो उसके बाद हम नई विंडो का सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज दोनों नई विंडो और पुरानी विंडो दोनों के सॉफ्टवेयर इसके अंदर रहेंगे और आपके कंप्यूटर में एट द सेम टाइम दो डिफरेंट विंडोज़ यानी दो वर्जन डिफरेंट जो है वो काम करते रहेंगे। लेकिन ये जो ये है ना, ये दो विंडोज़ एक कंप्यूटर पे चलनी है, थोड़ा सा सिस्टम को हैवी कर देता है, आपका सिस्टम हैंग भी हो सकता है। सो इसके लिए सबसे पहले आपने सिस्टम की जो ड्राइव है, जैसे यहाँ पे सिस्टम ड्राइव 0 है, इसको आपने सेलेक्ट करें, डिलीट करना चाहें डिलीट नहीं करनी है आपने, इसको फॉर्मेट करना है। इसलिए बता रहे थे कि यहाँ से हम कोई भी ड्राइव जो है उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको पार्टीशन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है उस सिस्टम ड्राइव की को फॉर्मेट करें, यानी पहले विंडो का सॉफ्टवेयर उसमें से उड़ाएं और उसके बाद जो है आप इसमें अपनी नई विंडो का सॉफ्टवेयर उसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे जाएंगे तो फिर आपकी जो है ड्राइव सी मतलब सिलेक्ट हो जाएगी सिस्टम के लिए। मोस्टली जो हमारे विंडोज़ का सिस्टम होता है ना वो सी ड्राइव के अंदर ही हमारे पास सेव होता है। जैसे ही आप ड्राइव सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास आगे जो है इंस्टॉलिंग विंडो यानी विंडोज़ की इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी, यानी विंडोज़ अपनी जो है नेसेसरी फाइल्स को अपलोड करना शुरू कर देगी। और ये जो ना प्रोसेस है थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, आपको थोड़ा सा वेट करें, समटाइम इसमें जो है 15 मिनट्स भी लग सकते हैं, हाफ आवर भी लग सकता है, 45 मिनट भी लग सकता है। तो ये आपके डिपेंड करता है आपकी जो हार्ड डिस्क की CPU का प्रोसेसर है उसकी फास्ट स्पीड है या नहीं। तो आपने इसमें कोई एस्केप या कोई और बटन नहीं दबाना है, सिंपली यू हैव टू वेट अनटिल द प्रोसेस कम्प्लीट्स। और जैसे ही ये कम्प्लीट होगा विंडो ऑटोमेटिकली जो है वो रिस्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, जस्ट लाइक दिस आप देखें विंडो रिस्टार्ट होना शुरू होगी। जैसे प्रोसेस कम्प्लीट हुआ तो विंडो ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होना शुरू हो गई। अब विंडो रिस्टार्ट होने के बाद सारी फाइल्स जो हैं आपकी चेक होना जा रही हैं। बिल्कुल जो है ना ये जो स्क्रीन है आपके पास इनिशिएटिंग बता रही है कि विंडोज़ की सेटअप रेडी है, इंस्टॉल होने वाला है, और इसके दौरान फाइल्स चेक हो रही हैं। अगर आपकी प्रोसेस ये वाला स्क्रीन क्लोज करना चाह रहे हैं तो आप कोई भी की प्रेस कर दें विद इन गिवन सेकंड तो आप इस विंडो से बाहर निकल आएंगे। फॉर एग्जांपल लेट से आप मैंने वो वहाँ पर की प्रेस करके प्रोसेस स्किप कर दिया। अब सेटिंग अप स्टार्टिंग सर्विसेज, जिस तरह से मोबाइल फ़ोन में होता ना आप जो है अपना ईमेल आईडी डाल के मोबाइल को उस डिवाइस को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल इस तरह से अब आपकी जो है सारी फाइल्स अपलोड हो चुकी हैं, ठीक है, प्रिपेयर्ड है, और ये अब आपके स्टार्टिंग सर्विस यानी विंडोज़ को स्टार्ट कर रहा है। सो इसमें भी 2-3-4 मिनट लग सकते हैं, तो उसके लिए आपने पेशेंटली वेट करना है। और जैसे ही कंप्लीट होगा विंडो विल कंटिन्यू आफ्टर रीस्टार्टिंग, इसके बाद दोबारा से कंप्यूटर जो है वो रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट के दौरान आपने कोई की प्रेस नहीं करनी है, ठीक है, आपने जस्ट वेट करना है। इसके बाद विंडोज़ जो है वो खुद ब खुद अपना इसका सारा प्रोसेस चलता है। आपने जो कमांड देनी थी दैट्स आर ओवर, तो अब आप विंडो ने खुद ब खुद इस पर वर्किंग करनी है, खुद ब खुद इस पे जो है काम करते रहेगी, यानी ये उसको ऑटोमेटिकली सेटअप स्टार्ट करते रहेगी। उसके साथ फिर से सेसरी फाइल्स ऑटोमेटिकली दोबारा डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी। तो इसमें आपने बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना, परेशान नहीं होना कि ये स्क्रीन दोबारा से ओपन हो गई है। सो इट इज़ द प्रोसेस कि आपने स्क्रीन आपका सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट जो आपका स्टार्ट हो रहा है उसमें आपने नेम देना है, यूज़र नेम, यानी आप किस नाम से देना चाह रहे हैं, आया आप अपने नाम से देना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से। तो मोस्टली इसमें जो नेम दिया जाता है वो एडमिनिस्ट्रेटर, या आप जैसे अगर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं तो माई स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर या इस तरह से आप नाम देते हैं। नेक्स्ट पे आपने क्या करना है, आपने अपनी विंडोज़ की सिक्योरिटी सेटअप करना है, यानी आपने पासवर्ड जो है अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो आप इनपुट कर सकते हैं, यानी आपने पहले पासवर्ड एंटर करना है फिर उसको रीटाइप करना है, कन्फर्म करना है। तो अगर नहीं भी करना चाह रहे तो आप इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं एंड गो टू नेक्स्ट ऑप्शन। टाइप करने के बाद आपके पास जो है ना आपकी रिकमेंडेड सेटिंग जो है वो पूछेगा, तो आपने उसमें कस्टम सेटिंग जो है उसके ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपने जो है वो क्लॉक अपना टाइम सेट करना है, डे मंथ ईयर।
इसलिए ज़रूरी है सेट करना क्योंकि ये इसके मुताबिक आपका पूरा सिस्टम चलता है। तो इसको आप स्टार्टिंग में करेक्ट रखें ताकि विंडोज़ जो है ऑटोमेटिकली उस डेट के हिसाब से अपडेट जो है आपको देती रहे। तो ये सारी ज़रूरी सेटिंग कंप्लीट करने के बाद आपका विंडोज़ जो है इंस्टॉलेशन लोडिंग जो है आपकी ऑटोमेटिकली खुद से स्टार्ट हो जाएगी और फिर से आपका कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट होगा। मीन्स दिस इज़ द फाइनल स्टेज, लास्ट स्टेप ऑफ विंडो इंस्टॉलेशन, और ऑटोमेटिकली उसके बाद जो है आपकी विंडो वर्किंग पोजिशन में आ जाएगी। तो उसके साथ मैं थोड़ा सा और भी आपको नेक्स्ट डेस्कटॉप पे किस तरह से आपने सेटिंग करनी है फर्स्ट वो भी बताती हूँ। क्या आप देख लें कि विंडो जो है ऐसे स्टार्ट हो रही है और दिस वाज द लास्ट स्टेप, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास डेस्कटॉप शो हो जाएगा। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और थैंक यू सो मच कि आपने सारी वीडियो देखी है, क्योंकि इसके बगैर हम इजीली जब तक हम ट्यूटोरियल नहीं देखते हैं या हम प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म नहीं करके देखते, वी विल अनएबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू इंस्टॉल विंडो एट आवर होम। तो हम क्या करते हैं कि हम बस बेसिकली लैपटॉप उठाया और दुकान पे भेज दिया कि विंडो इंस्टॉल कर। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने बस क्या करना है कि वीडियो देखनी है मेरी और उससे गाइडलाइन लेके आप खुद जो है अपने विंडोज़ को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकें। इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस, बट आपका थोड़ा सा टाइम लगता है, जस्ट 1.5 आवर लग सकता है, मे बी 2 आवर्स भी लग सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ योर प्रोसेसर ऑफ योर लैपटॉप ऑफ योर डेस्कटॉप। और अब देखते हैं कि नेक्स्ट डेस्कटॉप पे आप किस तरह से अपने आइकन्स और ये चीज़ें अरेंज कर सकते हैं। जी, विंडो स्टार्टिंग के बाद जब आपके पास डेस्कटॉप शो होता है तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास रिसाइकल बिन का आइकन जो है वो शो हो रहा है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि आप डिफरेंट और भी आइकन जैसे माई कंप्यूटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी शो करना चाह रहे हैं, तो आपने जस्ट सिंपली राइट क्लिक करना है डेस्कटॉप पे, पर्सनलाइज में जाना है और यहाँ लेफ्ट पैन में चेंज अरेंज माई सॉर्ट माई डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करके उसके बाद आपने वो सारे आइकन्स को चेक इन कर देना है जो आप अपने डेस्कटॉप पर लाना चाह रहे हैं, जैसे माई कंप्यूटर, नेटवर्क प्लेसेस, इंटरनेट एक्सप्लोरर और इसके अलावा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आप मज़ीद क्या कर सकते हैं, इसमें आप गूगल क्रोम इंटरनेट से कनेक्ट करके वेब ब्राउज़र यूज़ करते हुए आप गूगल क्रोम इंस्टॉल कर सकते हैं, वायरस इंस्टॉल कर सकते हैं और बहुत से छोटे मोटे यूटिलिटी प्रोग्राम्स आप जो है इंटरनेट से इस्तेमाल डाउनलोड करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसी तरह से बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, किसी भी सीडी के ज़रिए या आप यूएसबी ड्राइव के फ्लैश ड्राइव के ज़रिए भी आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। सो आई होप सो दैट दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल एंड प्लीज़ आखिर तक सारी वीडियो देखने का बहुत बहुत अगेन थैंक्स और कीप वॉचिंग ऑल माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ कमेंट्स और सब्सक्राइब करें प्लीज़। सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू ऑल के वीडियोज़ देख के उस पर कमेंट करें और प्लीज़ मुझे बताइएगा, फीडबैक दें कि आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल रही है। सो दिस इज़ जस्ट फॉर लर्निंग, जस्ट ऑन द एजुकेशन एंड एक्टिविटी बेसिस। तो जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे देन इट विल बी मोर रिकग्नाइज टू यू, मोर क्लियर टू यू। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, और अभी मैं इस वीडियोज़ को ख़त्म करने लगी हूँ एंड अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जी गाइस, वीडियो मैंने ख़त्म कर दी बट मैं एक बात कहना मेंशन करना भूल गई कि वीडियोस पिक्चर्स कुछ ब्लर बीच में आपको आ रही हैं, तो आप जब विंडो इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑप्शंस आपके पास साथ साथ आ रहे होते हैं, तो दोज विल बी वेरी वेरी क्लियर, बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखे होते हैं जिनको समझना बहुत आसान है। सो थैंक्स, कीप वॉचिंग, बाय बाय।